ये मेन माइक है हम देवारी डाला गए ज्यादा चार पर समझ जो हम भी मजा करें यार अब है तेरी चश्मे करीबी पे मुझको ना इस आसुरे पे सारी खता कर रही हूँ मैं मेरा कहना है यार अब है तेरी चश्मे करीमी पे मुझको नाज इस आसरे पे सारी खता कर रही हूँ मैं महफूज रखना मेरी सरे बज्मो आबरू आगाज तेरी हमदो सना कर रही हूँ मैं माइक वाले भाई माइक बहुत अच्छा बोल रहा है रात भर आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे लेकिन सेट करके एक जगह छोड़ दें मेहरबानी होगी तवज्जो मिटना है सभी को तो तेरी जात ही क्या है सुनेंगे क्या बात है मिटना है सभी को तो तेरी जात ही क्या है तू सोच जरा तुझ में बड़ी बात ही क्या है ही क्या है एक मौत का हल्का सा तमाचा ही बहुत है अरे मिट्टी के खिलौने तेरी औकात ही क्या है मिट्टी के खिलौने तेरी औकात ही क्या है मिट्टी के खिलौने तेरी औकात ही क्या है नाते रसूल के चार मिसरों पर तवज्जो चाहूंगी जितने भी आज के रसूल यहाँ तशरीफ फरमा है मुलाहिज़ा करें जिंदगी को नया वसूल दिया जिंदगी को नया वसूल दिया रहमतों का महकता फूल दिया मुझको परवरदिगार ने वाहिद मरहबा आखिरी रसूल दिया रसूल दिया या नबी आपके जलवों में वो रानाई है अच्छे लाल पासी उनकी जानिब से 100 रुपए आए हुए हैं सरकारी दो आलम का सदका बहुत बहुत शुक्रिया दो करीमों में गुनहगार की बन आई है और ये अली जनाब शहनवाज साहब उनकी जानिब से 500 रुपए आए हुए हैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं उनकी हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया चार मिनट पर तवज्जो चाहूंगी जुस्तजुए रसूल क्यों ना करे सुभान अल्लाह जुस्तजुए रसूल क्यों ना करे गुफ्तगुए रसूल क्यों ना करे हम हैं शहदाए मुस्तफा वाहिद आरजुए रसूल क्यों ना करे आरजुए रसूल क्यों ना करे माशाल्लाह परसों मेरा मुंबई में प्रोग्राम था ये नात वहाँ पे लोगों ने बहुत पसंद की और थोड़ी बहुत जो शोहरत मिली है इस नाचीज को इसी नात के बदौलत और यहाँ पहली बार एंट्री हुई है मेरी तवज्जो चाहूंगी एक वाकया सुनाती हूँ हजरत बिलाल का आका के जहान जार का उस बा कमा
जमाल का। एक वाकया सुनाती हूँ हजरत बिलाल का, आका के जानिसार का उजबा कमाल का। जालिम का जुल्म सह के भी पीछे नहीं हटे, हर जुल्म सहते जाते थे फिर भी रहे डटे। बोले बिलाल जालिम से मैं चुप न रहूंगा, तुम लाख सितम ढाओ यही कहता रहूंगा, तुम लाख सितम ढाओ यही कहता रहूंगा, यही कहता रहूंगा। ये हजरत बिलाल जालिमों से कह रहे हैं। क्या जीता हूँ उनके लिए, उन पे ही मैं मरता हूँ। ये हजरत बिलाल जालिमों से कहते हैं। क्या जीता हूँ उनके लिए, उन पे ही मैं मरता हूँ। मैं आशिक का हूँ, आशिक नबी का हूँ, नबी से प्यार करता का सदका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने अहले कमेटी वालों से खास तवज्जो चाहूंगी। जीता होने के लिए, क्योंकि सिर्फ हजरत बिलाल ही नहीं आशिक रसूल है, हम भी आशिक रसूल हैं, है ना। जरा हाथ उठाए जितने भी आशिक रसूल हैं, जरा हाथ उठाए। और हमारी माँ बहने भी हैं। जीता होने के लिए, शौकत अली साहब उनकी जानिब से सरकारे दो आलम का सदका आता हुआ है 50 रुपए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आशिक नबी का हूँ, नबी से प्यार करता हूँ। मैं ज्यादा म्यूजिक नहीं बजवाऊंगी, न ज्यादा ढोलक तबला बजवाऊंगी, शेर पर तवज्जो चाहूंगी, क्योंकि बहुत कुछ सुनाना है आप लोगों को। शेर सुनेंगे। ये हजरत बिलाल जालिमों से क्या कहते हैं, तवज्जो। ऐ ज़ालिमो तुम सितम ढा के मुझ पर कुछ कर नहीं पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। रहूंगा मैं नामे मोहम्मद, जितना सितम ढाओगे, जितना सितम ढाओगे। जितना सितम ढाओगे।
अपनी दे दूंगा मोहम्मद पे हंसते हुए अपनी दे दूंगा मैं आशिक नबी का हूँ मैं आशिक नबी का हूँ नबी से ये फिर सरकारे दो आलम का सदका आन की नजर पे अदा हुए हैं बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई का मोहम्मद पे हंसते हुए अपनी दे दूंगा जान मोहम्मद पे हंसते हुए अपनी दे दूंगा जान मैं आशिक नबी का हूँ मैं आशिक नबी का हूँ नबी से प्यार करता न्याज हाशमी साहब उनकी जानिब से ये सरकारे दो आलम का सदका 100 रुपए अदा हुए हैं बहुत बहुत शुक्रिया ये जावेद साहब उनकी जानिब से 500 रुपए अनायत हुए हैं बहुत बहुत शुक्रिया आहा मैं आशिक नबी का हूँ नबी से प्यार करता हूँ कैसे आका है शम्मा मैं परवाना उनका उन पर लुटा दूंगा जान इस महफिल में अकबर अली साहब भी मौजूद हैं मैं चेहरे से तो वाकिफ नहीं हूँ लेकिन नाम अभी अभी जस्ट सुना है तो वो भी आज के रसूल है मैं शेर पर तवज्जो चाहूंगी मुलाजा करें वो सबसे बेहतर है उम्मत के रहबर वो है फख्र कौनो दिनेश कुमार के भतीजे वाह उनकी जानिब से सरकार दो आलम का सदका आता हुआ है बहुत बहुत शुक्रिया हिंदू भाई भी शिरकत कर रहे हैं परवाना उनका उन पर लुटा दूंगा जा उन पर लुटा दूंगा जा वो सब उससे बेहतर है उम्मत के रहबर वो है फकरे कौनो मकबूल साहब उनकी जानिब से 50 रुपए अनायत हुए हैं सरकारे दो आलम का सदका बहुत बहुत शुक्रिया Thank you.
डाल की बात सुनी फिरोज साहब और आपसे भी खास तवज्जो चाहूंगी जो हमारे मौजूद मेहमान हैं। अभी आप लोगों ने हजरत बिलाल की बात सुनी, एक और अश्क रसूल की बात पेश कर रही हूँ। गौर फरमाए हजरत उमर, तवज्जो। तलवार नंगी, तलवार नंगी उमर लेके निकले थे कतले नबी के लिए, कतले नबी के लिए। हाँ हाँ ग्यासुद्दीन प्रधान घटमापुर, माशाल्लाह उनकी जानिब से ये 200 रुपए नए हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात पर? सच्चे रसूल। तलवार नंगी उमर लेके निकले थे कतले नबी के लिए, थे कतले नबी के लिए। और गुस्से में था लाल चेहरा उमर का, फकत शाहदी के लिए, शाहदी के लिए। एक हिंदू सामेन हो गए, ये सरकारे दो आलम का सदका अता किया उन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार आप लोग ताली बजा दें, इसमें तो कंजूसी ना करें। हाँ मैं तो आशिक हूँ नबी का। कैसे फिरोज साहब, आप भी आशिक रसूल हैं है ना? वलियों ने और पीर पयंबर ने कहा है, ये किसने किसने कहा है मैं आशिक हूँ नबी का? कैसे वलियों ने और पीर पयंबर ने कहा है, मैं तो आशिक हूँ नबी का। ये फिर शहनवाज साहब उनकी जानिब से सरकार दो आलम का सदका अदा हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो आशिक हूँ नबी का। कैसे सुभान अल्लाह। सहरा के दिल के चैन ने दिलगीर ने कहा, सहरा के दिल के चैन ने दिलगीर
आखिरी बंद मिला जाकर है, मैं तो आशिक हूँ नबी का। कैसे हजरत अवैस करनी भी आशिक थे नबी।